अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको ये वाईफाई स्मार्ट कैमरा है इसके मतलब बताऊंगा। दोस्तों ये वाईफाई स्मार्ट कैमरा V380 इसका सॉफ्टवेयर है। ये इसका क्या QR कोड, आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह हम इसको अपने मोबाइल के साथ अटैच कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वाईफाई स्मार्ट कैमरा डबल एंटीना वाला, यहाँ इसका मेमोरी कार्ड लगता है, ये इसका रीसेट बटन है, और ये इसका DC पावर, यहाँ से हम इसको करंट देते हैं। ये इसका QR कोड, ये सीरियल नंबर और यूज़र नेम एडमिन है इसका। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा किस तरह हम इसको अपने मोबाइल के साथ अटैच करेंगे। दोस्तों ये एक स्मार्ट छोटा सा बिल्कुल बेहतरीन कैमरा जिसे हम अपनी सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, दुकान घर कहीं भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसकी डाटा केबल करंट देने के लिए, ये इसका अडाप्टर है, ये केबल हम इसके साथ अटैच करेंगे, और ये इसकी पिन हम लगा देंगे यहाँ इसके पीछे। ठीक हो गया दोस्तों, ये इसका स्टैंड है इसको दीवार के साथ लगाने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसको हम इस तरह दीवार के साथ अटैच करेंगे, और ये वाला इसका इसके ये नीचे कैमरे के फिट हो जाएगा। इस तरह ये कैमरा दीवार के साथ लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्त से शेयर करें, लाइक करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नया आने वाला वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों अब मैं आपको ऑन करके चेक करवाता हूँ। ये डाटा केबल यहाँ लगा दी, और दूसरी साइड लगानी है इसकी अडाप्टर के साथ। अगर आपने चेक करना हो कि इसमें करंट आ रहा है कि नहीं, ये इसके ऊपर सेंसर है, इसके हम प्रेस करेंगे तो ये लाइटें रेड रेड होना शुरू हो जाएंगी। ये इसके सेंसर नाइट विजन, इसके ऊपर हम जब हाथ रखेंगे तो ये रेड शो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये बता रहा है कि ये बिल्कुल रेडी है। अब तो मैं अब आपको बताता हूँ कि किस तरह हम इसको मोबाइल के साथ अटैच करेंगे। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह हमने इसको अपने मोबाइल के साथ अटैच करना है। दोस्तों सबसे पहले अपने प्ले स्टोर में जाएंगे, ये प्ले स्टोर है, यहाँ प्ले स्टोर में लिखेंगे V380। तो दोस्तों ये मैंने पहले डाउनलोड किया हुआ है, ये ऊपर V380, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर पहले ही डाउनलोड किया हुआ है, तो ये यहाँ ओपन की ऑप्शन आ रही है, इसको ओपन करेंगे। दोस्तों इसको ओपन किया तो ये सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। तो हम बैक जाएंगे तो पहले हम कैमरे को कनेक्ट करेंगे। दोस्तों ये शो हो रहा है हमारा कैमरा MV3576-32, ये कैमरा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये कनेक्ट ही है हमारा कैमरा। तो अब बैक जाके सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं। ये V380 को ओपन करेंगे।
दोस्तों ये सबसे नीचे लिखा है लोकल लॉगिन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये कोने पे प्लस का निशान बना है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर ऐड नेटवर्क डिवाइस, फिर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों ये ऊपर आ रहा है डिवाइस आईडी, हमारे कैमरे की जो आईडी है वो यहाँ लिखेंगे, जहाँ एक साइड पे बना बार कोड स्कैन करने। इस वक्त ज़रा रोशनी कम है तो मैं आईडी लिख देता हूँ। आईडी कैमरे की बैक साइड पे लिखी है, वहाँ से हम देख के चेक करके लिख लेते हैं। 35 76 32 65, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसको कन्फर्म ऐड पे क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों कन्फर्म ऐड पे क्लिक किया तो ये हमारी स्क्रीन शो हो गई, इसको हम प्ले करेंगे। प्ले पे क्लिक किया तो ये सिक्योरिटी नोटिफिकेशन दे रहा है। सेट पासवर्ड, पासवर्ड हम अपनी मर्ज़ी के साथ लगा सकते हैं। ये सेट पासवर्ड के लिए क्लिक करेंगे तो न्यू पासवर्ड, अपनी मर्ज़ी से कोई भी पासवर्ड लगा सकते हैं। तो जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है वो मैं लगा रहा हूँ एडमन ADMIN12334। कन्फर्म पासवर्ड यही लगाएंगे, ADMIN12334। तो दोस्तों अब मैं इसको कन्फर्म करता हूँ। अब मैं इसको प्ले करके चेक करता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये कैमरा इस वक्त ऑन हो गया, इसको हम अपनी मर्जी से मूव भी कर सकते हैं। ये देखें मूव कर रहा है, इसको अप डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह हम इसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसको ऑनलाइन करके हम कहीं भी बह के चेक कर ले कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ये देखो बिल्कुल 360 मूव करेगा ये, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।